Assalamualaikum everyone, welcome to my another video. So caption पढ़ के अब तक आपको ये idea तो हो गया होगा that I am now recovered from COVID-19. और जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने ये बात बताया था कि मुझे कोविड किस तरह से हुआ, हमने टेस्ट किस तरह से करवाए थे, हमें क्या सिम्टम्स थे. तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो आप यहाँ ऊपर लिंक आ जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं. उसके अलावा नाउ दिस वीडियो, क्योंकि मैं अब एक प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, इस दौरान मैं बहुत से डॉक्टर से इन टच रहा हूँ, बहुत चीज़ें हमने ट्राई की हैं, और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मी एंड माय एंटायर फैमिली वी आर नाउ रिकवर्ड. सो दिस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ें हमने की इस दौरान और जो चीज़ें इस दौरान नहीं करनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. तो इस वीडियो में चार जो मेन चीज़ें जो इसमें मैं शेयर करूँगा. नंबर वन, कि अगर आपको कोविड के कोई सिम्टम्स आते हैं या आपको कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करना ज़रूरी हैं, और उसमें ये भी आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें घर में होना ज़रूरी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. नंबर सेकंड, कि मेडिकल एस्पेक्ट से आपको क्या क्या करना चाहिए, यानी कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, किस वक्त हॉस्पिटल जाना चाहिए या किस वक्त आपको घर पे ही रह के आइसोलेशन करनी चाहिए. नंबर थर्ड, के हर्ब्स का इस्तेमाल जो है, कौन कौन से हर्ब्स या देसी टोटके जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए या इस दौरान वो बेनिफिशियल हैं आपके लिए. और नंबर फोर्थ, फूड एस्पेक्ट से, कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए. सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो सके. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप मेरी आगे की वीडियोस देख सकें. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर सिम्टम्स नहीं भी हैं और आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो कुछ चीज़ें जो आपको करना ज़रूरी हैं. ये चीज़ें वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कोरोना नहीं है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रिकॉशंस हैं, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी जो घर में होना ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है एक थर्मामीटर. नॉर्मल थर्मामीटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ये होना बहुत ज़्यादा लाजम है ताकि आप हर वक्त टाइम टू टाइम अपना टेम्परेचर चेक कर सकें और आपको पता हो कि आपको कितना फीवर है, क्योंकि कोरोना में अक्सर फीवर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और वो उतरता नहीं है. तो एटलीस्ट आप देख सकें कि फीवर में कमी आ रही है या नहीं आ रही है, और आपको पता हो कि किस वक्त आपको फीवर है किस वक्त नहीं है. तो थर्मामीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरी एक चीज़ जो घर में होना ज़रूरी है वो ये है, ये छोटा सा ऑक्सीमीटर है. ये इस तरह का छोटा सा ऑक्सीमीटर है, ये इस तरह से काम करता है कि आपकी इस तरह फिंगर पे लग जाता है और इसको ये मैंने ओपन कर दिया तो ये रीडिंग ले रहा है. बेसिकली ये आपका हार्ट बीट रेट बताता है और आपका ऑक्सीजन लेवल, कि अभी इस वक्त आपकी सांस लेने की जो रवानगी है वो किस तरह की है या क्या आपका लेवल चल रहा है. तो यूजुअली अगर अभी देखें तो अभी ये अगर नज़र आ रहा हो तो मेरा भी ऑक्सीजन लेवल 98-99 चल रहा है. तो यूजुअली ये ऑक्सीमीटर इस काम आता है कि ये आपका ऑक्सीजन लेवल, जब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाता है तो वो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है. लेकिन उस वक्त भी आप घर पे कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला जाता है, स्पेशली 88-89 पे, तो उस वक्त फिर उसके बाद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप घर पे नहीं कंट्रोल कर सकते. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस दौरान आपको हॉस्पिटल शिफ्ट होना ज़रूरी है. तो ये एक छोटी सी डिवाइस है जो यूजुअली तो इसकी कॉस्ट अराउंड 1500 to 2000 है, पर आजकल बहुत सी जगहों पे ब्लैक में बहुत महंगी भी मिल रही है और कहीं तो बहुत मुश्किल से भी मिल रही है. हमें भी बहुत मुश्किल से मिली थी. अगर आप कराची में हैं तो कराची में हमें टावर पे जो मेडिसिन की मार्केट है, होलसेल मार्केट है, हमें ये वहाँ से मिला था. वी गॉट दिस फॉर 3500. तो ये दो चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले घर में होना. इसके बाद घर को डिसइनफेक्ट करना ज़रूरी है. डिसइनफेक्ट को आप घर पे आराम से बना सकते हैं. उसमें यह है कि 90% वाटर होना चाहिए, 90% पानी हो, और 10% आप उसमें डिटॉल मिला लें और उसका एक स्प्रे बना लें, वो आप पूरे घर में स्प्रे करें. आपके जो बेड्स हैं, आपके सोफे हो गए, घर में जो भी चीज़ें हैं, जो सरफेसेस हैं, दरवाजे हो गए, दरवाज़ों के लॉक्स हो गए, स्पेशली वो चीज़ें जहाँ हाथ लगाना लोगों का ज़्यादा होता है. दूसरा ये चीज़ कि अगर आपके घर सिम्टम मकसद अगर घर में सबको कोरोना है तो आप घर बंद कर लें और घर के अंदर आइसोलेट करें, क्योंकि सबको कोरोना हो तो आपको एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर घर में कोई ऐसा है जिसको नेगेटिव है तो इट्स बेटर कि जिनको पॉजिटिव है उनको एक जगह आइसोलेट कर दिया जाए और जो नेगेटिव है उसको अलग रखा जाए, क्योंकि इन दिस वे हम दूसरे लोगों को इससे बचा सकते हैं. फिर इसके बाद
यूजुअली जो नॉर्मल चीज़ें करना ज़रूरी हैं वो ये कि अगर घर में डिफरेंट लोग हैं जिनको कोविड पॉजिटिव है और जिनको नहीं है, तो वो लोग डिफरेंट वॉशरूम्स इस्तेमाल करें. अगर डिफरेंट वॉशरूम्स नहीं हैं तो प्रॉपर तरीके से वॉशरूम्स को धोया जाए. जो कपड़े हैं कपड़े रोज़ाना धोए जाएँ, रोज़ाना नहाया धोया जाए. जितना ज़्यादा साफ़ सुथराई रख सकते हैं घर में वो रखी जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप साफ़ सुथराई रखेंगे उतने चांसेस हैं कि जरासीम घर से कम होंगे और इतने ज़्यादा फैलेंगे नहीं. दूसरी ये चीज़ कि घर में जो खाने की प्लेटें हैं वो प्लेटें एक दूसरे से अलग कर लें, टावल्स अलग कर लें. प्लेटों वगैरह मैं ये बोलूँगा कि अगर डिस्पोजेबल प्लेट्स हो सकती हैं, डिस्पोजेबल ग्लास हो सकते हैं तो वो रखे जाएँ. और वो नहीं होते तो आप डिफरेंट मकसद आप क्रॉकरी सबकी अलग कर लें, प्लेट्स ग्लास हो गए, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं टावल्स हो गए, कॉम्ब हो गई, जितनी भी ऐसी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो सब आपस में एक दूसरे से अलग कर लें, सबकी अपनी अपनी हो, ताकि वो जो उसका फैलाव है उसको और ज़्यादा रोका जा सके. के साथ मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. यूजुअली आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले यही चीज़ बोल रहे हैं कि पैनिक नहीं हो, क्योंकि पैनिक होना वो एक स्ट्रेस की निशानी है और स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही और ज़्यादा कम कर देता है. तो कोशिश ये करें कि सिचुएशन में पैनिक ना हो और चीज़ों को ध्यान से हर चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि एहतियात सबसे ज़्यादा बेटर है इसकी, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इलाज नहीं है इस वक्त. अगर इसका कोई इलाज है या किसी चीज से आप इसको रोक सकते हैं तो वो एहतियात है. तो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो एहतियात करें, टेंशन नहीं लें, आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर होना शुरू हो जाएगा. बस जो चीजें जरूरी हैं इसके लिए वो अपना साथ साथ लेते रहें. अब दूसरा जो हम चलते हैं वो मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं कि मेडिसिन में आपको क्या क्या लेना चाहिए, उसमें मेडिसिन भी और विटामिन भी कि क्या क्या लेना ज़रूरी है या जो इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो कि कोई भी जो एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं वो नहीं लेनी, स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या डिफरेंट दवाइयाँ जो हम यूजुअली लेते हैं, क्योंकि हमें अक्सर होता है हमें कोई भी बीमारी हो रही है, हमें मोशन हो रहे हैं, हमें उल्टी हो रही है, हमें कोई भी, तो हमारे घर में एक मेडिसिन होती हैं कि भाई इस चीज़ की मेडिसिन ही ले ली जाए. इस सिचुएशन में कहते हैं कि अगर कोरोना है आपको तो आप मेन फोकस करें पैनाडोल पे. आपको अगर बुखार है, आपको जिस्म में दर्द है, तो उसके लिए आप पैनाडोल लें. हर चार घंटे पे आप दो जो उसके कैप्स दो टैबलेट्स हैं, हर चार घंटे पे आप दो पैनाडोल लें. अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आप हर छः घंटे पे पैनाडोल सिरप पिलाएं उसके दो चम्मच. तो पैनाडोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें. इसके अलावा कोई और मेडिसिन ऐसी नहीं लेनी. दो और मेडिसिन हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा लेने के लिए, क्योंकि वो हमें मुझे भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड की थी. उसमें सबसे पहली तो ये है, ये डिफरेंट कंपनीज़ में आ रही है, इसका जो नाम है वो एजिथ्रोमाइसिन है. आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इसका नाम क्या है. तो ये डिफरेंट कंपनी की आ रही है. यूजुअली ये वही मेडिसिन है जो हम आजकल हम खबरें सुन रहे हैं कि जो जिनकी हालत क्रिटिकल हो जा रही है उनको इसके इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो ये उसी की मेडिसिन है. ये यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि ये आप 5 दिन तक रोज़ाना एक एक टैबलेट लें. अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो कोशिश करें आप ये मेडिसिन लें और 5 टैबलेट इसके पर बंदा, यानी 5 दिन रोज़ाना एक एक टैबलेट ये लें. इसके अलावा दूसरी ये चीज़ कि ये एक हमारे पास टैबलेट है सर्बेक्स. सर्बेक्स जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट विटामिन हैं, विच इंक्लूड जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलेट एक्सिड, बी कॉम्प्लेक्स. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको जिस्म को ताकत देती हैं. तो ये एक एक टैबलेट अगर रोज़ाना ले लें तो ये बहुत बेहतर है. ये लेना भी चाहिए, ये ताकत की है, ये इसका जिस्म को कोई हार्म नहीं है. तीसरी जो चीज़ वो ये है, इट इज़ कैक 1000+. ये विटामिन सी की गोलियाँ होती हैं. इसको आप पानी में डाल के, जब पानी में डालते हैं तो ये एक शरबत जैसा बन जाता है, आपको वो पीना होता है. तो रोज़ाना कोशिश करें 1 गिलास इसका पिएं. इसमें मैं बता दूं, इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ विटामिन D3 है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है. क्योंकि कोरोना यूजुअली आपको इफेक्ट करता है तो इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा उसकी वीक होती है. तो ऑफकोर्स कोरोना का इलाज इस वक्त कुछ नहीं है, तो इलाज जो है वो ये है कि आप अपनी सेहत को बेहतर करो, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करो. तो बहतर ये है कि आप इस तरह के विटामिन लें, जिसमें कैक 1000 हो गई, मैंने जर्बेक्स इससे पहले बताया, और ये वाली जो मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि ये डॉक्टर्स भी काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं. इसके अलावा कोई और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली यही मेडिसिन आप लें. नाउ अब हम चलते हैं जो देसी टोटके या हर्ब्स का इस्तेमाल है. तो जो हर्ब्स की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है वो है ये सना मक्की के पत्ते. तो सबसे पहले अगर आप सना मक्की के पत्ते आप सुन रहे हैं कि ये इलाज है, तो आप पहले ये चीज़ समझ लें कि इट इज़ नॉट द एक्चुअली इलाज ऑफ कोरोना. कुछ लोग इससे रिकवर हुए हैं और ऑफकोर्स लोगों को ये बेहतरी दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसको लेने से पहले जानना ज़रूरी हैं.
सना मक्की के पत्ते जो हैं ये हर्ब्स, ये होम्योपैथिक में यूज़ होते हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आपको कब्ज़ होती है तो आपको इसकी मेडिसिन लेनी होती हैं, क्योंकि जब आप वो लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मोशन आते हैं। तो अब आप ये खुद देखें, अगर आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और आपने ये बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो, और आपको साथ मोशन भी आने लग गए, तो मोशन वैसे ही आपको इतना ज़्यादा वीक करते हैं। तो अब जब बहुत ज़्यादा, तो मैं खुद ऐसे केसेस जानता हूँ, मुझसे लोगों ने रब्ता किया, अब वो ऐसे हैं कि उन्होंने दिन में कितनी कितनी बार सना मक्खी पिया है, और अब उनकी हालत ये है कि एक तो कोरोना की वजह से वो वैसे ही तबीयत ख़राब, और अब वो मोशन कर करके उनकी हालत ऐसी है कि वो बेड पर पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में जानें। सना मक्की लें, ज़रूर लें, लेकिन इसका बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, कम एहतियात करें। हमने यूजुअली ये किया कि हमारे घर बाकी सब लोग एक एक दिन के गैप से, वो भी दिन में एक बार ले रहे थे बस, इससे ज़्यादा नहीं लिया ये। दूसरी चीज़, मेरे साथ ये था कि मुझे डायरिया हुआ हुआ था, मुझे मोशन ऑलरेडी बहुत आ रहे थे, तो मैंने सना मक्की एक बार भी नहीं लिया, और सी स्टिल आई एम रिकवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप सना मक्की नहीं लोगे तो आप रिकवर नहीं होंगे, लेकिन सना मक्की अगर लो तो प्लीज़ जो भी इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो पहले पढ़ लें कि इसका क्या नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। तो ऑफकोर्स ये जब आप सना मक्की का इस्तेमाल करते हो तो आपको मोशन आते हैं बहुत ज़्यादा, विच कैन कॉज यू वीकनेस एज वेल। तो इसका इस्तेमाल अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना कर लें कि कहीं यही आपकी तबीयत बिगड़ने का रीज़न बन जाए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो लेना ज़रूरी हैं, जैसे स्टीम बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि दिन में 3 बार स्टीम लें। स्टीम जब ले रहे हैं तो कलूंजी उसके पानी में डाल दें, उस पानी से स्टीम लें, गरारे घर में जितनी बार कर सकते हैं नमक वाले पानी से वो गरारे करें। तो स्टीम और गरारों के अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, विच इंक्लूड्स के लिक्विड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूसेस पी सकते हैं वो पिएं, क्योंकि पानी जो है वो डिहाइड्रेट होने से आपको बचाता है, और पानी के बहुत सारे फ़वाद हैं। तो पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है पानी पिएं, लेकिन एक चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कुछ दिन पानी जो है वो गर्म पिएं, ठंडा पानी इतना ज़्यादा ना पिएं, साथ जो घर में नॉर्मल कहवे होते हैं वो बना के पिएं, और इसके अलावा शहद का इस्तेमाल भी कोशिश करें जितना ज़्यादा करें। जब शहद की बात आती है तो मैं एक चीज़ और ऐड करना यहाँ बताना चाहूँगा कि आज जब शहद की बात आती है तो मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं फेसबुक एक ग्रुप पे ऐड हूँ सोल ब्रदर्स पाकिस्तान, वहाँ एक भाई ने एक स्टेटस डाला कि उनके पास ताज़ा शहद है, और वो उनकी कोशिश ये होगी कि जितने ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको वो भेज सकें। ऑल्दो अब तो वो जितना उनके पास शहद था वो आई गेस भेज चुके हैं, लेकिन जस्ट ये बात यहाँ बताने का मकसद ये है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द जो अच्छाई का काम कर रहे हैं, और लोगों की जितनी कोशिश हो सक रही है वो मदद कर रहे हैं। तो ये शहद की बॉटल जो उन्होंने मुझे भेजा था, सिर्फ मैंने ये किया था कि मैंने उनको एक मैसेज किया था, और उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर दो। मैंने जो मेरी अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी वो मैंने उनको सेंड की, और कुछ दिन के अंदर मुझे घर पे ये रिसीव हो गया। ये बिल्कुल ताज़ा शहद उन्होंने भेजा है, इसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं किया, और ना सिर्फ मुझे, उन्होंने बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को ये भेजा था। तो ये चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ह्यूमैनिटी आज भी ज़िंदा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें वो सपोर्ट करें। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें, कोशिश करें लहसुन जितने खानों के थ्रू, या आप साबित लहसुन भी अगर पानी के थ्रू ले सकते हैं तो वो लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर रखें, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा खजूर वगैरह का इस्तेमाल रखें, खजूर हो गए, खुबानी हो गई, ये बड़े रिकमेंड किए हैं डॉक्टर्स ने। इसके अलावा नट्स हो गए, जिसमें काजू, पिस्ते, बादाम, जितने भी नट्स हैं, क्योंकि ये गर्म इनकी तासीर होती है और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, तो अगर आप नट्स ले सकते हैं तो नट्स भी ज़रूर लें। मैंने तो बहुत नट्स खाए हैं इस दौरान, क्योंकि मैं दूसरी कुछ चीज़ें नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बताया कि मैं मेरा मसला ये है कि मैं कहवा वगैरह नहीं पी सकता, और भी और कुछ चीज़ें जैसे शहद वगैरह में मुझे मसला होता है लेने में, तो मेरी कोशिश ये थी मैं नट्स वगैरह खा रहा था, चने वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने खाए हैं इस दौरान, तो ये चीज़ें ज़रूर लें। इसके अलावा अब जब बात आती है कि खाने पीने में क्या करना है, तो देखें इस बीमारी में आपको हेल्दी खाना है, खाने पीने में एहतियात ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ जो जो खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जिसमें ऑयली खाने आ जाते हैं या
जो फास्ट फूड आ जाता है, जंक फूड आ जाता है या बाहर का खाना आ जाता है, उससे एहतियात करें। बाकी इसके अलावा आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, एक बैलेंस रखें जिसमें रोटी, चावल, सब्जियां हो गई, चिकन हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन सब का एक बैलेंस रखें। कोशिश ये करें जितना हेल्दी हो सकता है वो खाएं, क्योंकि जब आप इस बीमारी से चल रहे होते हैं तो अक्सर खाना पीना कम हो जाता है, नहीं खाया जाता। तो कोशिश ये करें कि जितना खा सकते हैं ज़बरदस्ती खाएँ, लेकिन खाएँ, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं टू बी हेल्दी, अपनी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करने में। क्योंकि एक बार इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक जो सिम्टम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और इस बीमारी को भी आप लोग आराम से इससे जो है लड़ सकेंगे। सो अभी तक मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन की जो आपको करनी चाहिए अगर आपको कोविड पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है, ना सिर्फ मुझे, मेरी फैमिली को हेल्प आउट किया है, बल्कि मैं बहुत सारे डॉक्टर से इन टच रहा हूँ इस दौरान, ना सिर्फ डॉक्टर से, बहुत सारे और लोगों से इन टच रहा हूँ जो कोविड से गुजर रहे थे या इससे रिकवर हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं सब वो हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है लोगों को। तो कोशिश ये करें कि ये चीज़ें लें, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग घबरा जा रहे हैं, इस सिचुएशन में घबराना नहीं है, अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, साथ साथ एहतियात, जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त अगर आपके लिए कोई चीज़ बेहतर है तो वह एहतियात है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स ने मुझे खुद ये बात बोली है कि हर दूसरे दिन कोई नई बात सुन रहे होते हैं इस बीमारी के बारे में, लेकिन जब तक आप सीरियस नहीं हो जाते या कोई सीरियस सिम्टम नहीं है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज आराम से घर पे हो सकता है। आप घर पे आइसोलेट करें, एहतियात करें, हॉस्पिटल सिर्फ उस सूरत में जाएं जब हालत कंट्रोल में ना हो और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और बिल्कुल इंसान को सांस ना आ रही हो। जैसे मैंने ऑक्सीमीटर का कर बताया, अगर ऑक्सीमीटर आपके पास है तो इसमें आप लेवल चेक करें, जहां ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे जाता है प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें, हॉस्पिटल जाएँ। बहुत सी ऐसी जो न्यूज़ है वो फेक डिफरेंट जगह स्प्रेड हो रही है कि लोगों को ज़बरदस्ती मार दिया जा रहा है या लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको घरों से उठा के लेके जाया जा रहा है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ, कोई किसी को घर से नहीं उठा के लेके जा रहा ज़बरदस्ती। इवन जो हॉस्पिटल्स में भी आप जा रहे हो वो वेंटिलेटर पर भी अगर आपको डालते हैं ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है खुदा ना खास्ता, तो वो आपकी परमिशन से डालते हैं, परमिशन के बगैर कोई आपको वेंटिलेटर पर भी नहीं डालता। तो जहाँ तक ऐसी खबरें हैं तो प्लीज़ इन खबरों से गुरेज करें, बहुत से लोग बहुत सी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उन न्यूज़ से गुरेज करें, उनसे डरें नहीं, बल्कि इस वक्त अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या कोई भी ऐसा मसला है तो प्लीज़ अपने आप को टेस्ट करवाएं, घर पे आइसोलेट करें, क्योंकि यही तरीके हैं जिनसे आप इससे बच सकते हैं या इस बीमारी से अगर हो गई है खुदा ना खास्ता तो रिकवर हो सकते हैं। तो प्लीज़ चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा मेरे पास लोग आ रहे हैं जब से मैंने फेसबुक वगैरह पे डिफरेंट जगह डाला डेट आई एम रिकवर्ड, इवन जब मैं कोरोना से मुझे पॉजिटिव आया था मैंने इसके बारे में भी डाला था, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स हैं वो टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको यही चीज़ें उन्होंने सुनी है कि घर से उठा के लेके जाते हैं या मार दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेक न्यूज़ चल रही है, तो प्लीज़ उनसे गुरेज करें और कोशिश ये करें कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं आपको तो उसको टेस्ट करवाएं, एहतियात करें, यही बोलूँगा। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो आई गेस मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिम्टम्स से रिलेटेड हैं, जो टेस्ट से रिलेटेड हैं, कि टेस्ट का प्रोसेस क्या है, किस किस तरह आप टेस्ट करवा सकते हो, इवन घर पे किस तरह टेस्ट करवा सकते हो, तो उस तरह की बहुत सारी बातें ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी। वो वीडियो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं, साथ यहाँ ऊपर दोबारा लिंक आ जाएगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने बहुत सी इसके बारे में चीज़ें शेयर की हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ भी जानना चाहते हैं इस बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरा या इंस्टाग्राम भी मेंशन होगा, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ यूट्यूब वीडियो पे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई विल मेक श्योर कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ, जितना गाइड कर सकूँ लोगों को, आई एम ऑलवेज हेयर। आप मुझे रीच आउट ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आई गेस अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी आपसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाएं, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों को इस वीडियो की इस वक्त ज़रूरत है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको सपोर्ट दें। ये एक पेंडेमिक की सिचुएशन है और हम लोग इसको काबू जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग एक साथ नहीं होते, तो हमें हाथ जोड़ने हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इस सिचुएशन से निकलेंगे। तो इसी एक अच्छे नोट के साथ इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन से ज़रूर निकलेंगे। आई वांट टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।